इस सुंदर जीवन को जिंदगी को सुचारू रूप से चलाते समय हम अनेक अनुभव करते हैं, कभी छाया कभी धूप, कभी खुशी कभी गम। जीवन का ये नैया आगे बढ़ाते समय इस समुद्र रूपी संसार में कभी कभी लगता है कि हमारी नाव डूब रही है, लहरें आगे आ रही हैं। हमारे जीवन में कांटे और दुख का सामना करते हैं, क्या पता कि दिसंबर से कोरोना वायरस आके सबकी जिंदगी बदल डालेगा। कई लोगों ने सपने देखे थे, वो सपने सब चकनाचूर हो चुके हैं। नौकरियां चली गई हैं, सभी लोग परेशान हैं। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग अस्पताल में हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, खुशी खुशी जीना चाहते हैं, लेकिन जब चुनौतियां हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करना चाहिए? आज प्रभु स्पष्ट शब्दों में आपको और मुझे कहते हैं,
ताकि मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं स्वभाव से विनीत हूं, विनम्र हूं। आइए हम उसी प्रभु के पास जाएं, क्योंकि हमारे सभी कष्ट और मुसीबतों के लिए वही जवाब है। प्रभु ही जवाब दे सकते हैं, वही हमारे दुखों को कष्टों को हल्का कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं मेरे सिर पे माथे पे आपके कष्ट को लूंगा, आपके सभी क्रूसों को मैं उठा लूंगा। आइए उसी विश्वास के साथ आइए इस पूजन विधि में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें कि वे पापों के लिए प्रभु से एक दूसरे से क्षमा मांगे। I confess to Almighty God that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to my brothers and sisters to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy on us. Come and heal. Amen. Cleanse with your fire. With your touch, humbly we bow and call upon your love. Oh, Lord, have mercy on us. प्रभु की शांति जग में जिन
यथेया मसीह की विनम्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि वह महान राजा और विजेता की तरह नहीं जो सेना के साथ आया करते हैं, बल्कि गधे पर सवार होकर यीशु यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, प्रभु यह कहता है। हे सियोन की पुत्री आनंद मना, ये यरूशलेम की पुत्री, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है, वह इफ्राइस से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे, उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैला जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। आशा अनुवाद है कि श्रोत करते अध्याय 145 वाक्य संख्या 1-2 8-11 एवं 13-14 तक आप लोगों का अनुवाद होगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। सब लोग एक साथ हो रहे हैं। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा।
प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्दोष को संभालता और चुके हुए सीधा करना है। The spirit of Christ does not belong to him. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who has raised Jesus Christ from the dead will give you life to your mortal bodies, also through his spirit who dwells in you. So then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए ये लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसी तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के भोजन पद्धति में हमने सुना है कि प्रभु यीशु हमारे सामने एक विनीत न्यायकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है और हमारे सामने आए हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में आए हैं और यही प्रभु यीशु के बारे में इसराइली जनता को बार बार पूर्वों के द्वारा, नबियों के द्वारा जानकारी देते रहे, प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में वर्णन करते रहे और वे सभी प्रभु यीशु की नम्रता को प्रकट किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि प्रभु यीशु विनीत और नम्र होकर इस दुनिया में आएंगे और वही सच निकला। जब प्रभु यीशु बेतलहम में जन्म लिया और उसके बाद 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहकर पिता परमेश्वर से और पिता परमेश्वर की कृपा से प्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर की जानकारी प्राप्त करते रहे और 30 साल के बाद उन्होंने ईश्वरीय जानकारी लोगों को प्रदान किया और लोगों को चंगाई एवं लोगों को मुक्ति के मार्ग दिखाया, सुसमाचार के शब्दों को लोगों को समझाया और इस दुनिया के लोगों को सत्य मार्ग पर लाने की कोशिश किया और अग्रिम में क्रूस मरण प्राप्त कर उन्होंने अपना जीवन पिता के हाथों में सौंप दिया, पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और हम सभी को मुक्ति प्रदान किया। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सभी के लिए यही शिक्षा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में नम्रता और विनीत होकर हमें आगे बढ़ना है। और आजकल के इस दुनिया में हमें मालूम है कि सभी जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, कोरोना हो या अन्य सभी बीमारियां, और हम सभी को मालूम है कि हमारा जीवन और हमारा मार्ग हमारे हाथ में नहीं है बल्कि ईश्वर के हाथ में है। जब हम अपने जीवन में विनम्रता महसूस नहीं करते या विनम्रता से हम जीवन नहीं जीते तो हमें पता नहीं हम इस दुनिया में कितना दिन रहेंगे, कितना साल रहेंगे या कितना महीना रहेंगे, वे सभी ईश्वर के हाथ में है। तो इसलिए ईश्वर आज हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दें, विशेष रूप से हमारे क्रिस्तीय जीवन को हम ईश्वर के हाथ में सौंप दें। ईश्वर हम सभी को बीमारियों से जरूर छुटकारा देंगे और हम सभी को अच्छे क्रिस्तीय जीवन जीने की सहायता जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन हमें अपना कार्य करना है, अपना जीवन अपने आप को संभालना है और अपने जीवन को विनम्रता से आगे बढ़ाना है। आज प्रभु यीशु हम सभी को कोई बड़ा शिक्षा नहीं दे रहे बल्कि हम सभी को विनम्र होकर जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं और हमें याद दिलाते हैं। हाँ कृष्ण ने प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं और हम सभी को विश्राम देने के लिए तैयार हैं। हम इस दुनिया में हम बड़ी मेहनत करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ बौद्धिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी कड़ी मेहनत करते हैं और कभी कभी हम थक जाते हैं,
हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम अपने जीवन में विजयता प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आज हमें वादा करते हैं और हमसे कहते हैं कि धक्के बांधे और बोझ से दबे हुए हम सभी प्रभु के पास जाए। क्या आज हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हैं? हमें जरूर मेहनत करना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ समय निकालकर हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रभु के लिए कुछ समय देना है। चाहे घर पर बैठकर प्रार्थना करते हो या कहीं एकांत में बैठकर प्रार्थना करते हो, तो हम प्रभु के लिए कुछ समय जरूर निकालना है। जब इस परिस्थिति में हम सभी को बार बार प्रभु यीशु आमंत्रण करते हैं, तो हम सभी को प्रभु के पास जाने की जरूरत है। इसलिए आज हम प्रभु के सामने वादा करें कि हम अपने घर में या जहां कहीं भी हो, हम कुछ समय हर रोज प्रभु के लिए निकालेंगे, प्रार्थना के लिए और प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए कुछ समय जरूर निकालेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी सभी परेशानियां, सभी मुसीबतें प्रभु अपने हमसे अलग कर देंगे और हमें एक अच्छे जीवन जीने के लायक बनाएंगे। तो आइए आज के इस भोजन पद्धति में, आज के इस मिसा बलिदान में हम प्रभु यीशु को के सामने अपने आप को समर्पित करें और प्रभु यीशु से वादा करें कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन जीवन बिताते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारे विश्वास को देखते हुए जो अविश्वासी है वे भी प्रभु पर विश्वास करें, वे भी प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए तत्पर हो और वे भी प्रभु के शिष्य बनने के लायक बने। तो आइए अपने आप को हम प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने सभी लोगों को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु हम सबको विश्राम और हम सबको शांति प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Let us stand and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe Jesus Christ, only Son of our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He went to the dead, on the third day rose again. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the coming of the saints, the forgiveness of our sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brothers and sisters, Jesus has spent quite a lot of time in prayer. As an obedient son, Jesus thanks his Father for his kindness and benevolence towards him and his disciples. True prayer is an acceptance of God's dominion over us and a humble submission to his will. Let us now place our petition, trusting in God's providence, say, Lord, show your kindness towards us. Lord, show your kindness towards us. For the Pope, the bishops, the clergy and the religious, that they may govern the church firmly and yet gently, we pray to the Lord. Lord, show your kindness towards us. For all those in authority, that they may realize that authority is not to be used as a tool for personal benefit, but for the benefit of the people whom they serve, we pray to the Lord. Lord, show your kindness towards us. For those who hold authority in the church, that they may not overburden the people, but stand by them in their moments of troubles and difficulties, we pray to the Lord. Lord, show your kindness towards us. That Christians may live their lives in humble imitation of Christ, who, though being the Son of God, totally humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. We pray to the Lord. Lord, show your kindness towards us. For people who are poor, the marginalized and the oppressed, that their cry for justice and dignity may be listened and to be answered. We pray to the Lord. Lord, show your kindness towards us. That is supposed to pray for our community and personal needs. We also place our families, near and dear ones, at the feet of the Lord.
We also pray for the sick, especially suffering on account of coronavirus. We also pray for those who are no more. May their soul rest in peace. Lord, accept our prayer. Our response, Lord, show your kindness. God our Father, we thank you for the gift of your Son, who promises us to lighten our burdens, mitigate our pains, and forgive our sins. Having shared our human nature, you can lift us up from our trials and tribulations. Give us the grace that we may firmly place our trust in Him and may find rest for our souls. We make this prayer to Christ our Lord. With joyful lips, we sing hymn number F26. Thank you.
Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Dil se in a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Sakar Shri
resurrection. We offer you, Lord, the bread of life, chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Albert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have praised you throughout the ages, we may merit to be choirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे प्रतिदिन का हमारा आज दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। डिलीवर अस लॉर्ड फ्रॉम एवरी इविल, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said, Apostle, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant the peace and unity in accordance with your will, Holy One reign forever and ever. Amen. Peace of our Lord Jesus Christ be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but I will see the world and my soul shall be healed. This hymn, hymn number 550, is Zandra Passover. Tune to
दुनियाकी अंतिम चरों तक तुम्हारा।
आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। क्रिस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त का वचन मेरी रक्षा करे, क्रिस्त का रक्त मुझे जोश से भर ले, क्रिस्त का पवित्र पानी मुझे थोड़ा, क्रिस्त का दुख मुझे शक्ति दे। हे प्यारे यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले, अपने भावों के भीतर मुझे छुपा दे और मुझे कभी तुझसे अलग ना होने दे। मुझे अपने शत्रुओं से बचा और मुझे तेरे पास आने दे, ताकि संतों और भक्तों के साथ युग युग तेरी स्तुति कर सकूं। आमीन। अपने पूर्ण निर्वाचित गिरजाघरों के लिए हम प्रार्थना करें, जो कि पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, सिर्फ उसको ब्लेस करना है। हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। ईश्वर जल्द से जल्द उस सुनहरा अवसर लाए, हम सब मिलकर एक साथ फिर उस नए मंदिर में प्रवेश करकर उसको आशीष पाकर उसके जघर में तेरी हम दो सना तेरी स्तुति कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग भी आपको सना ही नहीं कर सकता, फिर भी आपको हमारे बीच में रहना प्रिय है। हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें कि जिससे हम आपके आदर और लोगों की आत्मिक भलाई के लिए एक संयुक्त निवास स्थान का निर्माण कर सके। इस देवालय के निर्माण में हम आपके मार्गदर्शक व प्रेरणा पर पूर्णतः निर्भर है, जो आपकी उपस्थिति का चिन्ह व सच्चाई का पात्र तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आपके प्रेम का अच्छे साक्षी बना है। उन पर आशीष दे जो धन व श्रम से इस निर्माण में सहयोग दे रहे हैं, ताकि इस देवालय द्वारा जिनके सुनने के कान हो हमारे बुद्धिदाता प्रभु यीशु के सुसमाचार को जान ले। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमारे शरीर में आध्यात्मिक रूप से प्रवेश किया है और हम सभी को ईश्वर की कृपा प्रदान किए हैं। उसी प्रभु को हम धन्यवाद दें और उस प्रभु को हमारे हृदय में स्वागत करें। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक शुभ अवसर ईश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है, क्योंकि विशेष रूप से सिस्टर जोविता पिछले 5 सालों से हमारे पल्ली में कार्य किए हैं, साथ ही साथ हमारे स्कूल में भी कार्य करती आ रही थी और अभी सिस्टर का ट्रांसफर हुआ है। साथ ही साथ सिस्टर मरिया गुरायती वे भी पिछले 3 साल से हमारे पल्ली में विशेष रूप से चर्च के हर कार्य में सहयोग देती रही और स्कूल में भी पढ़ा रही थी पिछले 3 सालों से। अभी दोनों सिस्टर्स का ट्रांसफर हुआ है, सिस्टर मरिया गुरायती कल चली गई हैं और सिस्टर जो भी इन दिनों में अपने नए जगह पर जा रही हैं। तो हम सभी पल्लीवासी ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ सिस्टर दोनों सिस्टर्स को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उनका सहयोग और उनका हर कार्य हम सभी ने महसूस किया है। हम सभी पल्लीवासियों ने ईश्वर के अवसर को, ईश्वर की सेवा करने का अवसर उनके माध्यम से हम सभी को मिला है। तो हम सिस्टर जोविता एवं सिस्टर मरिया गुरेती को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अधिक से अधिक
वरदान देते रहे, आशीष देते रहे, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते रहे और ईश्वर की सेवा में वे अधिक तत्पर होकर अपने नए जगह पर कार्य करते रहे करते रहेगी। तो इसलिए हम सभी पल्लीवासी जितने भी लोग आज इस मिसा बलिदान में भाग लिए हैं और जो अपने भवन से इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सभी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ दोनों सिस्टर्स को धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। फॉर्मल ग्रुप से सिस्टर दोनों सिस्टर्स को ये विदाई समारोह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं इस परिस्थिति में हम फॉर्मल ग्रुप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम प्रार्थना से प्रार्थना के माध्यम से दोनों सिस्टर्स को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की कृपा मांगते हैं। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू सिस्टर जोविता, थैंक यू सिस्टर मरिया गुरेदी, आज यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन बाकी हमारे सुपीरियर सिस्टर्स को सिस्टर को हमारी प्रार्थनाओं और हमारे विशेष जरूर बताएगी। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं दो नए सिस्टर्स, एफएसएम जी के दो नए सिस्टर्स हमारे बीच में आए हैं। आप दोनों सिस्टर्स को हमारे बीच में हमारे इस पैरिश में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। For the control of coronavirus, Almighty and merciful God, who showed your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by coronavirus in the various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the caregivers, the doctors, nurses and attendants, that they are protected from the infection and strengthened in spirit. We pray for the scientists doing research that an effective vaccine to combat the sickness is readily found. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Let us pray. Grant we pray, O Lord, that as we may replenished by these gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God. Please take hymn number 273, is St. Helens of Grace. सुख और दुख में Oh,
Thank you.